सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे डीआईवाई किचन और लॉकेट्स का। अभी तक मेरा मूड नहीं आया है, तो आज हम बनाएंगे हमारे इपॉक्सी डिज़ाइन का कुछ क्राफ्ट। तो एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में कुछ बनाए थे, ये उल्टा दिख रहा होगा। सो आप लोगों को अच्छे से दिख रहे होंगे, ये किचन से ये पूरा हार्ड नहीं हुआ है, ये बेंट होता है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं। आई थिंक मेरे मिक्सिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। एंड ये देखो, हाँ इसमें मैंने कुछ ग्लिटर्स डाले थे, बहुत कुछ डाला है मैं इसमें। तो अभी हम बनाएंगे फिर से एक डीआईवाई। तो सबसे पहले मैं इसका मिक्सिंग बताऊंगी आप लोगों को। तो इसमें दो आते हैं, एक है ये छोटा वाला हार्डनर, ये बड़ा वाला इपॉक्सी होता है। और हमें चाहिए एक स्पून प्लास्टिक का, और एक्चुअली इसमें ना जम गया है कुछ इपॉक्सी, आपको दिख रहा होगा क्या। हाँ, ये जो पानी जैसा दिख रहा है ना, ये जम चुका है, ये पूरा जम चुका है। और इसमें भी बहुत सा देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये भी जम चुका है। मैंने इसमें ट्राई किया था ना बनाने के लिए, मेरा दो बार मिक्सिंग पूरा वेस्ट हो गया था, कुछ जमा नहीं था, पर ये वाला जम गया है। तो हमें चाहिए एक कांच का ग्लास, एक चम्मच और किचन हुक, और ये दो टूल्स जिससे हम किचन हुक को फिट करेंगे हमारे इसमें। और हमें चाहिए एक मोल्ड, अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप कुछ भी ले सकते हो, बस आपको शेप देना है एक नॉर्मल सा। तो मैंने मोल्ड बुलाया था, तो ये आ चुका है ऑनलाइन है। अब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपको लेना हो तो आप कमेंट करना, अगर आपको लिंक चाहिए हो तो मैं तभी डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, वरना नहीं डालूंगी। तो ये इसका साइज़ आप देख सकते हो, ये कुछ 250 कुछ तो भी था, 215 के ऊपर ही था थोड़ा बहुत। तो ये आपको अमेजोन में मिल जाएगा, और अगर आपको उससे भी सस्ता चाहिए ये, तो मैं लिंक दे दूँगी। और ये है ग्लिटर्स, ये है स्टार शेप के, सॉरी गाइस, ये है स्टार शेप के, और ये भी स्टारिच है बट थोड़े डिफरेंट। एंड ये है हार्ट। तो मेरे पास ऐसे तीन ग्लिटर्स के हैं। तो अभी हम करेंगे मिक्स। तो अब वीडियो देखते रहना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। सो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम करेंगे इपॉक्सी को मिक्स। तो उसके लिए हमें चाहिए रिजाइन, जो कि मैं एक स्पून ले रही हूँ, उससे कम हमें लेना है हार्डनर। तो मैंने सबसे पहले तो एक स्पून रिजाइन ले लिया है, उसके बाद मैंने उसको अच्छे से थोड़ा सा स्पून में से निकाल दिया है, ताकि वो मिक्स ना हो जाए हमारे हार्डनर के साथ। तो एक्चुअली गलती से हार्डनर ज़्यादा हो गया था, बट फिर भी कोई बात नहीं, हार्डनर ज़्यादा हो तो चलता है, रिज़ाइन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओह माय गॉड, गलती से मेरे हाथ से गिर गया था थोड़ा बहुत, बट ओके कोई बात नहीं, मैंने पोंछ लिया था उसको ना। हमें 15 मिनट तक उसे मिक्स करना है अच्छे से। तो भैया तो गाली देंगे मुझे, क्योंकि भैया का टेबल है। सो अभी मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। और उसके बाद हम मैंने लाए कुछ लीफ फ्लावर्स के लिए, और कुछ मिनी फ्लावर्स जो भी आपके पास हो यानी अवेलेबल, आप कुछ भी ले सकते हो, छोटी से छोटी चीज़ कोई भी। और मैं बना रही हूँ सी अल्फ़ाबेट, जिसमें मैं वो सभी फ्लावर्स वगैरह को डालूँगी। इससे पहले मैंने ग्लिटर वाला बनाया है, जो कि मैं वीडियो डालने वाली हूँ अभी। तो इसको सूखने के लिए टाइम लगता है कम से कम 2 मिनट, बाकियों का 24 घंटे में या 15 घंटे में सूख जाता है, बट मेरे वाले को बहुत टाइम लगता है। मेरे ने तो एक दिन में ही निकाल के देखा था ना, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब रबर जैसे था, स्ट्रेच हो रहा था वो, और बाकियों के तो पूरे ग्लास होते हैं। तो हम उसे 2 दिन तक रखेंगे, देन उसके बाद हम उसको निकाल के देखेंगे कि कैसे बना है। तो मैंने यहाँ पे एक दिन के बाद में किचन सेट हुई हुई भी दिखाई हूँ, लास्ट में देखना, ज़रूर से देखना, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करना भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहूँगी। तो हमने फ्लावर्स के लीव, जो कुछ भी फ्लावर लीव्स थे, मैंने सब कुछ उसमें ऐड कर दिया है। एंड उसके ऊपर से मैंने और एक बार इपॉक्सी डिज़ाइन डाल दिया है, ताकि वो अच्छे से कवर कर ले सब कुछ इसलिए। देन उसके बाद कुछ बचा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एम अल्फ़ाबेट का भी बना लूँ। तो मैंने उसमें भी बना लिया है, जो कि आप देख ही रहे होंगे, वहाँ पर कुछ गिर गया था एंड कुछ ये हो रहा था, मैसी मैसी सा हो रहा था, बट कोई बात नहीं है, हमने हमारे ऊपर में तो टैलेंट है हम में, तो मैंने वो सब कुछ स्वाइप करके उसमें ही ऊपर से डाल दिया। देन हम उसमें मैं ऐड करी हूँ ग्लिटर। सो गाइस, वो ग्लिटर की जो कैप थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी, वो वुड की थी, तो वो तो टूट ही गई थी, ऑलमोस्ट पूरी टूट गई। देन वो मैंने पुश किया तो वो अंदर ही चली गई बॉटल के, बट कोई बात नहीं, हम उसको निकाल लेंगे, रिमूव कर लेंगे लास्ट में। तो मैंने ग्लिटर ले लिया है, उसमें येलो कलर के स्टार्स हैं, मैंने वो बहुत सारे स्टार्स ले लिए, एंड उसको टूथपिक के हेल्प से मैंने मिक्स कर दिए है अच्छे से। आजू बाजू में जो भी स्टार गिरी थी, मैंने सब कुछ ले लिया है, एंड उसको हमें अच्छे से इधर उधर जहाँ पे भी खाली जगह है वहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि वो अच्छे से ग्लिटर हर जगह पर हो जाए। देन हम हमारे जो अल्फ़ाबेट मैंने बनाया हुआ था सी लेटर का, एक्चुअली सी लेटर के पीछे भी एक लॉजिक है मैंने क्यों बनाया था।
अभी हम उसमें किचन हुक अटैच करेंगे। तो मैंने सबसे पहले एक जंप रिंग लिया है क्योंकि किचन हुक जा नहीं रहा था, तो जंप रिंग अटैच करने के बाद मैंने किचन हुक लगाया और हमारा किचन रेडी है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कैसे बना है, और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और हमारे